वेलकम बैक टू गोल्डन इंडिया। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें, और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। तो आज की पहली बड़ी खबर है, सावधान, अब खुले खाद्य तेल की बिक्री पर होगी सख्ती, बेचे तो हो सकती है उम्र कैद या फिर जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, आम नागरिकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यदि आप भी राशन की दुकान से खुला खाद्य तेल लेकर आते हैं, सभी दुकानदारों के लिए भी बड़ी खबर है, खुले खाद्य तेल बेचे तो जेल हो सकती है, 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। सरकार ने खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है, साथ ही में इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने यह निर्देश सभी राज्यों के खाद्य सचिवों को भेजे है। दरअसल सरकार का मानना है कि खुला खाद्य तेल बेचने में मिलावट की आशंका बनी रहती है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि वर्ष 2011 में बने कानून के अनुसार खुले तेल की बिक्री पर पूरी तरह से रोक है, लेकिन कई राज्यों से शिकायतें मिल रही है कि खुला तेल धड़ल्ले बेचा जा रहा है। लेकिन अब सरकार की ओर से सभी राज्यों की सरकारों को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। आज की अगली खबर है, मोदी का चीन को सख्त संदेश, कहा विस्तारवाद का युग अब खत्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख के अचानक से दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने चीन के साथ में झड़प में घायल जवानों से मुलाकात की और उनका उत्साह भी बढ़ाया, और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के जवानों को संबोधित करते हुए कुछ मुख्य बातें भी बताई। पीएम मोदी ने चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि अब विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है और यह विकास का युग है। इतिहास गवाह है कि विस्तारवादी ताकतें या तो हार चुकी है या फिर पीछे हटने को मजबूर हो चुकी है। पीएम मोदी ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को पुनः श्रद्धांजलि दी। चलिए तो मौसम को लेकर बड़ी खबर है, कड़ी धूप के बीच में बिगड़ा मौसम, इन राज्यों में जल्द होगी बारिश, अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, दिन प्रतिदिन मौसम के हाल में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में बारिश हो रही है तो कई राज्यों में गर्मी बनी हुई है। पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में काफी अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो बिहार, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र में बारिश हो सकती है, इसका अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। चलिए तो अगली खबर है, व्हाट्सएप यूजर को मिलेगी अब एनिमेटेड स्टिकर से लगाकर QR कोड की सुविधा। जी हाँ, यदि आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, जल्दी व्हाट्सएप के अंदर कई सारे नए फीचर ऐड होने वाले हैं। व्हाट्सएप में चैटिंग को आसान और मजेदार बनाने के लिए QR कोड भी मिलेगा, जिससे यूजर नए कॉन्टेक्ट को आसानी से जोड़ सकेंगे। नए व्हाट्सएप के लेटेस्ट वर्जन में आपको GIF फीचर यानी कि एनिमेटेड स्टिकर का फीचर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैसेजिंग एप्लीकेशन ने यह भी बताया कि जियो फोन के अंदर व्हाट्सएप जल्दी स्टेटस को भी सपोर्ट करेगा, और इसके अलावा वीडियो कॉलिंग को लेकर भी कई तरह के नए फीचर ऐड होने वाले हैं। चलिए तो इसी बीच बॉलीवुड जगत से एक बुरी खबर भी आई है कि नहीं रही डांस की मल्लिका सरोज खान, 71 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। जी हां दोस्तों, फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो चुका है। चलिए तो बात करें आज के सोने और चांदी के दाम की, तो सोने के भाव में 578 रुपए की गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद में 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम 48,357 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। 22 कैरेट के अनुसार सोने का भाव 44,295 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वहीं बात करें 18 कैरेट की, तो 36,268 रुपए पर प्रति 10 ग्राम के अनुसार 18 कैरेट का गोल्ड चल रहा है। तो वहीं दोस्तों चांदी की कीमत 48,594 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, ध्यान से सुनना दोस्तों, कि भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा था, और इसके विकल्प कुछ इस प्रकार से है, सिंध, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और पंजाब। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे, उनको दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पेटीएम कैश।